नमस्कार दोस्तों, सभी को केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का अपना नया चैप्टर रहेगा और चैप्टर का नाम है डीब्लॉक एलिमेंट, डीब्लॉक के तत्व। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी कंपटीशन में इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो लेसन नंबर आठ, केमिस्ट्री फर्स्ट का लेसन नंबर आठ, और चैप्टर का नाम है डीब्लॉक के तत्व। तो जनरली अपन आप सारणी की बात करें तो आप सारणी को में एक होता है अपना एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल करेंगे एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट की और एक करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो जनरली अपन आप सारणी की बात करें तो इधर दो अर्थ होते हैं अपने एस के, इनके बीच में क्या होते हैं अपना ये डी होता है, और इधर क्या होते हैं अपने पी होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं एस, इनको क्या बोलते हैं पी ब्लॉक, और ये जो एस और पी के बीच में होते हैं बोलते हैं डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के क्या होते हैं अपने नीचे होते हैं। ठीक, तो चैप्टर के दो ग्रुप हैं, एक तो अपना डी ब्लॉक और एक होता है अपना एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले तो देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व किन्हे कहते हैं, यानी वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आए, डी कक्षक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाए, डी कक्षक में भरा जाए। क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, बात इनकी आवर्त सारणी की करें तो आवर्त सारणी में ये वर्ग 3 से 12 तक स्थित होते हैं, यानी वर्ग सारणी वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो बात टोटल डी ब्लॉक में कितने वर्ग उपस्थित हुए हैं, 10। ठीक, नंबर 3 है, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बात इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, n-1d 1 से 10 ns2 होता है इनका, यानी n-1d 1 से 10, यानी डी कक्षक में 1 से 10 d1 d2 d3 d4 d5 d6 एंड d10 तक हो सकते हैं, और ns उसमें दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। ये n-1d का क्या करेंगे तो भार n cos होगा ना, n की वैल्यू से एक कम अंदर की रहेगी, ns2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास डेवलप करो। अब देखते हैं जो तीसरा तत्व था, सन एक तक पॉइंट चलता है अपन पॉइंट नंबर 5, ये s व p ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। ये एस और पी के बीच उपस्थित होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने कार्य करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एस व पी की योजक कड़ी, एस और पी ब्लॉक की योजक कड़ी भी कहते हैं। तो ये थे जनरल बातें, यानी वे इलेक्ट्रॉन जिसमें आने वाला, वे तत्व जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में डी कक्ष में भरा जाए क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी वर्ग 3 से वर्ग 12 तक स्थित होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1d 1 से 10 ns2 होता है। ये s और p ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, s और p ब्लॉक को जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें s और p की योजक कड़ी भी कहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। परंतु जो संक्रमण तत्व के
फाइनल बात परिभाषा चलती है वो क्या है, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणविक या आणविक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, डी कक्षक पूरा भरा नहीं हो, वे तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। तो इसके बारे में अपन डिटेल करेंगे, इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो कैसे है, देखते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व यानी ने संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताई संक्रमण तत्व की, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी परमाणु अवस्था यानी मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, डी कक्षक ऐसा हो अपूर्ण यानी पूरा भरा हुआ नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था आपके जिंक, जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है जबकि कॉपर एक संक्रमण तत्व कहलाता है, जबकि दोनों का डी टेन विन्यास है, दोनों का डी टेन विन्यास है। इसका कारण क्या है, जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है तो होता है 3d10 4s2 और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d10 4s1, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने लिख में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d10 4s2, कॉपर का होता है 3d10 4s1। जब ये जिंक जिंक 2 प्लस में बदलता है, जिंक 2 प्लस में बदलता है तब भी इसका डी टेन विन्यास अपरिवर्तित रहता है, डी कक्षक कैसा होता है, पूर्ण भरा रहता है। जबकि कॉपर की बात करें तो कॉपर कॉपर 2 प्लस में परिवर्तित होता है तो इसका विन्यास हो जाता है डी नाइन अपूर्ण, डी कक्षक क्या हो जाता है, अपूर्ण डी कक्षक हो जाता है। तो परिभाषा कह रहे कि मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, तो भाई इस जिंक का तो मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण है और आयनिक अवस्था में भी डी कक्षक पूर्ण है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहलाता, जबकि कॉपर एक संक्रमण तत्व कहलाता है क्योंकि इसकी मूल अवस्था में तो डी कक्षक ऐसा है पूर्ण भरा होता है, परंतु आयनिक अवस्था में क्यों या अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षकों की स्थिति है, क्योंकि नियम के अनुसार डी में क्या आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 9, तो पूर्ण भरे पूर्ण भरे अर्धपूर्ण भरे कक्षकों की स्थायित्व के आधार पर एस का इलेक्ट्रॉन किसमें गया हुआ है डी में, तो आयनिक अवस्था में उसको हटाते हैं, डी में कितने हो जाते हैं 9, तो डी कक्षक कैसा हो जाता है इसका अपूर्ण, इसलिए कहलाता है संक्रमण तत्व। इसी श्रेणी में आते हैं जिंक कैडमियम और एचजी, जिंक कैडमियम एचजी, जैसे हम डी श्रेणी की बात करें तो आवश्यक डी ब्लॉक की चार श्रेणियां ज्ञात है, तो उसका जो प्रथम संक्रमण द्वितीय संक्रमण तृतीय संक्रमण चतुर्थ जो संक्रमण श्रेणी होगी उसका अंतिम जो तत्व होंगे प्रथम का तो जिंक, द्वितीय कैडमियम, तृतीय का होगा एचजी। इसी प्रकार इनसे एक एक पर जिंक से पहले आएगा कॉपर, एयू और एजी। ठीक है, इनका मूल अवस्था में तो डी कक्ष में डी में कितने रहेंगे 10, परंतु आयनिक अवस्था में कितने हो जाते हैं डी में कितने हो जाते हैं 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। इस पर क्वेश्चन आया था क्या एक जिंक संक्रमण तत्व है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन इस पर आप किस प्रकार कह सकते हो कि जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है जबकि कॉपर एक संक्रमण तत्व है, यही नियम लागू हो जाएंगे कैडमियम पर और एचजी पर। ये तो थे अपने संक्रमण तत्व की परिभाषा, किन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे किन्हें नहीं कहेंगे। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी जो संक्रमण तत्व की चार श्रेणियां ज्ञात है, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व कितनी श्रेणियां ज्ञात है, चार, जिन्हें कहते हैं संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी नंबर एक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी चलते स्कैंडियम LC21 से, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 10 तत्व, स्कैंडियम 21 से 30 तक जो तत्व आएंगे वो क्या कहेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी। नंबर दो है द्वितीयक,
संक्रमण श्रेणी द्वितीयक संक्रमण श्रेणी में यट्रियम 39 से यट्रियम 39 से कैडमियम सीडी 48 तक जो तत्व आते हैं वो कहलाएंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी में लैंथेनम एल ए 57 का एक तत्व आएगा, लैंथेनम 57 का एक तत्व। फिर एच हाफेनियम 72 से एच जी 80 तक तृतीय संक्रमण श्रेणी। लास्ट अपना चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अंदर आते हैं एक्टिनियम एसी, एक्टिनियम एसी 89 का एक तत्व आएगा। फिर आएगा आर एम रदरफोर्डियम 130 से 112 तक जो तत्व आते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी थे। इस प्रकार आवर्त श्रेणी कितने ज्ञात अपन, आवर्त श्रेणी में डेवलप तत्व कितने श्रेणी ज्ञात है 4। इन्हें कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी इस कैडमियम की से जिंक तक, द्वितीय संक्रमण श्रेणी यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, तृतीय संक्रमण एक तो लैंथेनम 72 से 80 तक, और चतुर्थ संक्रमण एक्टिनियम एसी 89 तक, 103 से 112 तक। चार श्रेणियां आवर्त श्रेणी अपन डेवलप की है। इस प्रकार उनका सामान्य इंट्रोडक्शन है अपना कंप्लीट होता है और ये इनका डिप्लो के तत्व की जनरल जानकारी आज अपनी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।